हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में संक्षिप्त में हम समझेंगे एंटीबॉडीज और एलर्जी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सीधी भाषा में समझें तो इसे हम कहेंगे एलर्जी क्या होता है, एलर्जी कैसे होता है, एलर्जी से कैसे बच सकते हैं और एक्चुअल में एलर्जी किसे कहा जाता है। तो एलर्जी को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको इजी टू अंडरस्टैंड यानी कि आसान शब्दों में समझ में आ सके और आप इसे कभी भूलें नहीं। तो एलर्जी, जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसे सब्सटेंसेस या कुछ ऐसे एलर्जेंस जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए न्यू होते हैं, नए होते हैं, या फिर हमारी एंटीबॉडीज के लिए वो नए होते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमारी एंटीबॉडीज कुछ केमिकल्स का सीक्रेशंस करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, रिलीज करती हैं या किसी दूसरे सिस्टम को नोटिफिकेशन देती हैं, उनको एक ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराती हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारी एंटीबॉडीज या अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी कुछ केमिकल्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स जब रिलीज होते हैं तो कई बार म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है, कई बार कई मरीजों को खांसी आने लगती है, कई बार कई मरीजों को जो हमारा एयर वे होता है, सांस लेने का जो पाथवे होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, समझ रहे हैं। दूसरा, जो मसल्स होती हैं, मसल्स भी हमारी स्लाइटली टाइट होने लगती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या होता है, कई बार सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कई बार हमें क्रैम्प मसल्स पेन हो सकता है, कई बार हमें स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है। तो ये कई प्रकार की एलर्जी होती है। जब ये सब्सटेंसेस हमारे शरीर में अंदर जाते हैं तो इसे हम जानते हैं एलर्जेंस के नाम से, यानी अब इसे हम कहते हैं एलर्जेंस। अब वो सब्सटेंसेस नहीं रहा, उसे हम कहेंगे एलर्जेंस, क्योंकि वो हमारे शरीर में एंटर कर गया है और एलर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे उसका नाम होगा एलर्जेंस, राइट। तो जो सब्सटेंसेस किस प्रकार के होते हैं, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं यानी एलर्जेंस जो होते हैं, हमें किस किस प्रकार से एलर्जी कर सकते हैं, जैसे कि पोलेंस से, डस्ट है, कई लोगों को पेट्स से एलर्जी होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको फूड्स से एलर्जी होती है, स्पेशल फूड्स, कोई जैसे खाने पीने की चीज अगर कोई खाता है उससे कई लोगों को एलर्जी होती है। इसके अलावा कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल टाइप्स की मेडिसिन से एलर्जी होती है, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको स्मेल, अगर वो थोड़ा बहुत पर्टिकुलर स्मेल को अगर वो सूंघ लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनको ये दिक्कत आ सकती है। तो एलर्जी अलग अलग प्रकार की होती है और ये इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की आपको एलर्जी है, कौन से एलर्जन की वजह से आपको एलर्जी है। अगर हम बात करें कि कॉजेज क्या है, तो मैंने आपको बताया जैसे पैट्स वगैरह है, डस्ट है, पोलेंस है, इसके बाद जो एस्बेस्टस होते हैं, कई बार जो हम कपड़ों को फटकारते हैं तो उनमें से छोटे छोटे एक धागे प्रकार के एस्बेस्टस टाइप के निकलते हैं, इनसे भी कई बार हमें एलर्जी हो जाती है। तो ये इसके बहुत सारे रीजन हैं और कई बार अलग अलग प्रकार की एलर्जीज होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं और हमें जिंदगी भर उनकी दवाइयां खानी पड़ती हैं लेकिन एलर्जी हमारी ठीक नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होना, कंजक्टिवाइटिस होना, राइनाइटिस होना, ठीक है, इस तरह की नोज एलर्जी होना, कई बार क्या होता है कि नोज की जो लाइनिंग होती है वहां से म्यूकस का ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है तो पानी आने लगता है, छींकें आने लगती हैं, ठीक है, पीएनडी हो जाता है, तो कई प्रकार की समस्याएं इसमें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर हमने समझा एलर्जी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें पहचानना हो तो इसके लिए टेस्ट कौन से करवाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक होता है एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, एक स्किन पैच टेस्ट होता है, स्किन पंचर टेस्ट होता है, इसके अलावा सीबीसी ब्लड टेस्ट आपके करा सकते हैं डॉक्टर्स, या पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह के सिम्टम्स हैं, किस तरह की साइन और सिम्टम्स दे रहा है, उस बेसिस पर भी टेस्ट
कराए जा सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मुझे लगता है एलर्जी से रिलेटेड आपके काफी सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।